नमस्कार, आज मैं आपको एक खबरें लेके आई हूँ। नई खबरें हैं तो वीडियो को पूरा देखें। आपको पता होगा कि मेरे चैनल पर काफी दिनों से वीडियो नहीं आई है, तो वीडियो नहीं आने का कारण है कि इस समय जो कोरोना का माहौल चल रहा है, सिलसिला कोरोना का जारी है, तो उसी तरह लोग कोरोना से बीमार हो रहे हैं, तो इसलिए जो है मेरी वीडियो भी नहीं आई, क्योंकि मुझे भी कोरोना हो गया था, मैं भी पॉजिटिव हो गई थी कोरोना से, मेरे परिवार में भी पॉजिटिव हो गए थे, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो आज मैं ये वीडियो आप लोगों को बता रही हूँ। तो वीडियो है कि टीकाकरण इस समय जो चल रहा है गांव गांव टीकाकरण वैक्सीन लगने को लेकर जो ग्रामीण इलाकों में बात चल रही है, उसके लिए इसमें खबरें हैं। विस्तार से आइए जान लेते हैं, खबरें पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। तो ये खबर निकल के आ रही है कि अमर उजाला, ये कौशाम्बी और प्रतापगढ़ से है खबरें निकली हुई है। तो ये खबरें हैं कि सरकार की साजिश से बता दिया इनकार, यानी ग्रामीण इलाकों में जो वैक्सीन लगने से मौत और नपुंसक होने की अफवाहें फैल रही है, वो टीम से हो रही है नोकझोंक, और लोग टीमों को देख करके दरवाजे बंद कर ले रहे हैं। जो लोग गांव के लोग हैं, वो जब जैसे ही टीम गांव में पहुंचती है, लोग बंद कर रहे हैं दरवाजे देखकर उनको, क्योंकि उन्हें अफवाहें जो फैलाई गई है गांव में नपुंसक होने की बात कही गई है और वैक्सीन लगने से, तो इसमें काफी टीमों से नोकझोंक भी हो रही है। तो आइए खबरें हम विस्तार से आपको बताते हैं क्या है खबर में। तो कैबिनेट मंत्री के पैतृक गांव में ही फैली अफवाह, ये जिले के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह के पैतृक गांव प्रतापगढ़ जिले के करमाही गांव में 3 दिन पहले आंगनवाड़ी केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कैंप लगाया था। इसी बीच किसी ने अफवाह फैला दी कि वैक्सीन लगाने से कुछ दिन पहले गांव के एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी, जबकि हकीकत यह है कि बुजुर्ग ने 3 महीने पहले वैक्सीन लगवाई थी, बीमारी के चलते उसकी हकीकत स्वाभाविक बीमारी के चलते उसकी स्वाभाविक मौत हुई थी। टीकाकरण टीम दोपहर 2 बजे तक इंतजार करती रही, लेकिन एक भी व्यक्ति टीका लगवाने के लिए नहीं पहुंचा। तो खबर कोरोना पर काबू पाने के लिए अधिक से अधिक आबादी के टीकाकरण की मुहिम में जुटे स्वास्थ्य विभाग जो सामने मुश्किलें खड़ी हो रही है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना वैक्सीन लगने के बाद मौत और नपुंसक होने की जैसे अफवाहें वैक्सीनेशन अभियान में लगे अफसरों की चिंता बढ़ा दी है। तेजी से अफवाहें फैलने के बाद ग्रामीण टीकाकरण टीम को देखते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर ले रहे हैं। मुनादी है कि डोर टू डोर संपर्क और शिविर लगाने के बाद भी लोग टीका लगवाने के लिए तैयार नहीं हैं। हाल ही दिनों में प्रयागराज के साथ प्रतापगढ़ और कौशाम्बी के कई गांव में इस तरह के सामने मामले आए हैं। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े विशेषज्ञों की राय है कि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन देकर ही कोरोना की चेन तोड़ी जा सकती है। केंद्र और राज्य सरकार भी संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए टीकाकरण पर जोर दे रही है। प्रदेश में 1 जून से सभी जिलों में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने की तैयारी है, लेकिन इस सबके बीच ग्रामीण इलाकों में फैली जो अफवाहें हैं वो टीकाकरण की राह में अड़चन पैदा कर दी है। जिले की लाल गोपाल इलाके के मेंढारा, श्रृंगबेर, करछना, मलंग, तकिया मलय, बलाऊ और पूर्वाद गांव में भी ग्रामीण वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं है लोग। तो कौशाम्बी में 1 दिन पहले कराई गई थी मुनादी और घरों में ताला बंद करके लोग चले गए थे। ये कौशाम्बी जिले के कड़ा ब्लॉक के कंथुआ गांव वैक्सीन को लेकर फैलाई गई अफवाहों के कारण लोग डरे हुए हैं और टीकाकरण लगवाने के लिए तैयार नहीं है। गांव में लोगों का टीकाकरण करने के लिए 20 मई को कैंप लगाया गया था। इसमें 19 मई को गांव में उनादी कर लोगों को इसकी जानकारी भी दी गई थी। इसके बाद भी टीका लगवाने के लिए एक भी व्यक्ति शिविर में नहीं पहुंचा। गांव में बनाई गई निगरानी समिति के साथ कड़ा सीएससी अधीक्षक ने डोर टू डोर संपर्क किया, फिर भी कोई टीका लगवाने के लिए तैयार नहीं हुआ। दोबारा संपर्क करने गए सीएससी अधीक्षक, अधिक घरों में ताला लटकता मिला। कुछ घरों में सिर्फ बच्चे मौजूद थे। इसी तरह कौशाम्बी जिले के मूरतगंज ब्लॉक के लोहरा गांव में 1 अप्रैल को लगे शिविर में किसी भी वैक्सीन नहीं लगवाई। दोबारा शिविर लगाने का काफी मशक्कत के बाद भी सिर्फ 6 लोग टीका लगवाने के लिए तैयार। आप खबरों पर अफवाहों पर मत जाएं। जो खबरें हैं, जो अफवाहें फैल रही है वो नपुंसक होने की और वैक्सीन लगवाने की गाँव में, ये अफवाहें बहुत बेकार है। अफवाहों से इसके लिए लोग जो है, ये अफवाहों की वजह से ही इस समय जो है गांव-गांव टीम जा रही है और वहां बैठक भी कर रही है, वो निगरानी समिति की बैठक, उसमें जो है काफी जानकारी लोग दे रहे हैं कि ये जो अफवाहें फैल रही वो गलत है, टीके लगवाने से कुछ भी नहीं हो रहा है, लोग नहीं मर रहे हैं, टीके उनकी सुरक्षा के लिए ही लगाया जा रहा है।
तो आई हो वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर